हे गाइस व्हाट्स अप। सो हमारे एमसी स्टैन ब्रदर 1.5 सीआर के नेकलेसेस पहनते हैं। ये बता दे कितने का है? 1.5 सीआर का रहेगा सर। फैंसी। अब हम लड़के तो 1.5 करोड़ के एक्सेसरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए आज मैं आपको 10 लो बजट एक्सेसरीज बताऊंगा जो हम डार्क स्किन लड़कों पर बहुत अच्छी लगती है, और इसे पहनने के बाद हम और हमारा नॉर्मल आउटफिट 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव बन जाता है। और साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस एक्सेसरीज में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए और किस किस एक्सेसरीज में थोड़ा बजट बढ़ाकर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए। एंड फाइनली तीसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एक्सेसरीज को पहनने के अपने अपने रूल्स होते हैं उनके बारे में, ताकि एक्सेसरीज पहनकर आप छपड़ी नहीं बल्कि एक हैंडसम स्टड दिखो। और डोंट वरी, मैं सारे एक्सेसरीज की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो पहला एक्सेसरी है नेकलेस। नेकलेस पे आप ज्यादा पैसे खर्च मत करना क्योंकि हम इसे डेली नहीं पहनते हैं। आप 100-150 वाले नेकलेस भी लोगे तो वो इनफ है। आजकल हिप हॉप कल्चर्स की वजह से मोटे और लंबे चेन्स काफी ट्रेंड में है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो ये सिर्फ रैपर्स के ऊपर ही अच्छी लगती है। अगर हम उसे पहनेंगे तो हम पूरे छपड़ी दिखेंगे, बट हम और आप जैसे नॉर्मल लड़कों के लिए स्लिम एंड मीडियम लेंथ वाले नेकलेस ही बेस्ट होते हैं जो हर ओकेशन पे अच्छे लगते हैं। बट हाँ, छुरा, ब्लेड, इन टाइप्स के पेंडेंट्स वाले नेकलेसेस मत पहनना। हमारे ऊपर जो नेकलेसेस अच्छी लगती है वो है क्यूबॉइड पेंडेंट नेकलेस, जो अभी फिलहाल मैंने पहन रखा है, या ज्योमेट्रिक पेंडेंट नेकलेस। अब इन दोनों नेकलेस को ही पहनना। बट हाँ, नेकलेस से रिलेटेड एक ट्रेंड है जो हम डार्क स्किन लड़कों पर अच्छी लगती है, वो है लेयरिंग ऑन नेकलेसेस। मतलब एक चेन के ऊपर दूसरा चेन पहनना जिसमें से ऊपर वाली चेन छोटी रहती है और नीचे वाली चेन उससे थोड़ी लंबी रहती है। सो यू कैन गो फॉर दिस ट्रेंड, बट आप नेकलेस सिल्वर या फिर ब्लैक कलर का पहनना। दूसरा एक्सेसरी है सनग्लास। सनग्लास आपको हमेशा थोड़ा बजट बढ़ाकर अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि सनग्लास ना ही सिर्फ हमारे डार्क सर्कल्स को छुपाकर हमारे फेस को अट्रैक्टिव दिखाती है, बल्कि सनग्लासेस हमारे आंखों को सन के यूवी रेसेस से प्रोटेक्ट भी करती है जिससे हमारे आंख डैमेज ना हो। और ये यूवी रेस प्रोटेक्टेड सनग्लासेस 500 से शुरू होते हैं, बट सस्ते सनग्लासेस जैसे 100-200 वाले, ये आपको अट्रैक्टिव तो जरूर दिखाती है बट ये आपकी आंखों को सन से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें यूवी रेस प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भले ही एक ही सनग्लास खरीदो बट 500-800 वाले अच्छे क्वालिटी के सनग्लास खरीदो, और सनग्लास को हमेशा अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग पहनना, तभी आप सनग्लास पहन के अट्रैक्टिव दिखोगे। जैसे अगर आपका फेस शेप राउंड है तो हमेशा स्क्वायर सनग्लास पहनना, और अगर आपका फेस शेप ओवल, स्क्वायर या डायमंड है तो हमेशा राउंड सनग्लासेस पहनना। और एक चीज, आजकल मार्केट में बहुत कलर्स के और बहुत अतरंगी सनग्लासेस भी मिलते हैं, बट आप सबसे पहले हमेशा ब्लैक फुल रिम वफेरा सनग्लास को लेना क्योंकि ये एवरग्रीन है। तीसरा एक्सेसरी है ब्रेसलेट। ब्रेसलेट पे भी आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, और आजकल ब्रेसलेट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, बट हम डार्क स्किन लड़कों पर जो ब्रेसलेट अच्छी लगती है वो है सिल्वर हाफ कफ मेटल ब्रेसलेट या फिर ब्लैक स्लिम लेदर ब्रेसलेट। और ये दो ब्रेसलेट्स आपको इजीली 100-150 में मिल जाएगी, और इनकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट कभी भी रबर वाले फ्रेंडशिप बैंड या फिर मोतियों वाले ब्रेसलेट्स को मत पहनना क्योंकि वो हमारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ब्रेसलेट का रूल है, जब भी आप ब्रेसलेट पहनना तो नेकलेस या रिंग मत पहनना, और जिस हैंड में वॉच पहनोगे उसके ऑपोजिट हैंड में ब्रेसलेट को पहनना। फोर्थ एक्सेसरी है रिंग। रिंग पे आप 100 रुपए से ज्यादा खर्च मत करना, और रिंग आप हमेशा सिल्वर या फिर ब्लैक कलर का पहनना क्योंकि गोल्ड कलर के रिंग हमारे हाथों पर दिखने में उतनी खास नहीं लगती। और रिंग बहुत टाइप्स के मिलते हैं, जैसे स्टोन वाले, अतरंगी डिजाइंस वाले या फिर स्लिम राउंड वाले, बट हमारे हाथों पर जो रिंग अच्छी लगती है वो है राउंड स्लिम वाले रिंग। और रिंग पहनने का रूल ये है कि जब भी आप रिंग पहनना तो ब्रेसलेट मत पहनना, और जिस हाथ में वॉच पहनोगे उसके ऑपोजिट हैंड में रिंग को पहनना। और अगर आप एक रिंग पहनोगे तो हमेशा मिडिल फिंगर में पहनना, और अगर आप मैरिड हो तो हमेशा थर्ड फिंगर में रिंग को पहनना। बट अगर आप दो रिंग पहनोगे तो एक रिंग अपने इंडेक्स फिंगर पे पहनना और एक रिंग थर्ड फिंगर पे पहनना, और दो से ज्यादा रिंग मत पहनना वरना हम छपरी कैटेगरी में आ जाएंगे। और रिंग को हमेशा एक ही हाथों में पहनना, दोनों हाथों में मत पहनना। फिफ्थ एक्सेसरी है वॉच। वॉच एंड शू, इन दोनों चीजों पर आपको थोड़ा बजट बढ़ाकर अच्छे क्वालिटी का लेना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च वॉच एंड शू ना ही सिर्फ हमारे लुक्स को एलिवेट करती है बल्कि हमारे पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट भी करती है, क्योंकि लोग सबसे पहले हमारे ड्रेसअप के बाद हमारे वॉच एंड शू को ही नोटिस करते हैं। इसलिए एक वॉच आपको इजिली 250-300 में मिल जाएगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भले ही एक वॉच खरीदो बट अपने बजट को थोड़ा बढ़ाकर 500 के ऊपर वाले अच्छे क्वालिटी के वॉच को खरीदो। और अगर आपकी एज 16 से ज्यादा है तो कभी भी स्पोर्ट्स वॉच या डिजिटल वॉच को मत पहनना। कैजुअल आउटफिट्स के साथ आप हमेशा ब्लैक या ब्राउन कलर के लेदर स्ट्रैप वॉच या फिर ब्लैक स्मार्ट वॉच को पहनना, और फॉर्मल आउटफिट्स के साथ आप हमेशा ब्लैक या ब्राउन कलर के लेदर स्ट्रैप वॉच या फिर सिल्वर चेन स्ट्रैप वॉच को पहनना, और कभी भी मोटे बड़े डायलर वाले वॉच को मत पहनना, हमेशा स्लिम एंड मीडियम साइज डायलर वाले वॉच को ही पहनना, और वॉच को हमेशा अपने नॉन डोमिनेंट हैंड पे ही पहनना। जैसे अगर आप राइटी हो, राइट हैंड से अपना सारा काम करते हो तो वॉच को लेफ्ट हैंड में पहनना, और अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड में पहनना। सिक्स्थ एक्सेसरी है बेल्ट। बेल्ट पे आपको ना ही ज्यादा पैसे खर्चना है और ना ही कम पैसे खर्चना है, और अगर आप 200-300 वाले भी बेल्ट लोगे तो वो इनफ है। और बेल्ट ब्लैक एंड ब्राउन कलर का लेना, और हो सके तो आप फ्लिप बकल वाले बेल्ट को लेना जिसमें एक ही बेल्ट में दो कलर होते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। इस बेल्ट से आपको ये बेनिफिट मिलेगी कि ब्लैक एंड ब्राउन दोनों इंपॉर्टेंट बेल्ट होते हैं,
हैं, तो आपको दो अलग अलग बेल्ट को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब भी आप कैजुअल आउटफिट में बेल्ट पहनना तो उसी कलर का वॉच पहनना। बट जब आप फॉर्मल आउटफिट के साथ बेल्ट पहनना तो बेल्ट, वॉच एंड शू तीनों के कलर सेम होने चाहिए, तभी हमारा आउटफिट निखर के आएगी और आप अट्रैक्टिव दिखोगे। बट कभी भी मोटा, हैवी, अतरंगी डिजाइन वाले बक्कल वाले बेल्ट्स को मत पहनना। हमेशा स्लिम, स्मॉल एंड लाइट वेटेड बक्कल वाले बेल्ट्स को ही पहनना। सेवेंथ एक्सेसरी है बैग। लोग अच्छे से एक्सेसरी पहनकर अपने आउटफिट्स एंड अपने लुक्स को तो एलिवेट कर लेते हैं, बट पीठ पर एक गलत बैग ले लेते हैं जिसके वजह से उनका पूरा अट्रैक्टिव लुक सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मार्वल्स, एवेंजर्स मुझे भी पसंद है, बट जब बात आती है स्टाइल की तो कभी भी एवेंजर्स, कार्टून या डिजाइन प्रिंटेड वाले बैग्स को मत लेना। आप हमेशा लेदर लुक वाले या फिर सॉलिड एक कलर वाले बैग को ही लेना जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन, लोगो या लिखावट प्रिंटेड ना हो, और बैग हमेशा ब्लैक या ब्राउन कलर का लेना। और आप चाहो तो एक स्लिंग बैग भी ले सकते हो, बट इस बैग को आप तभी पहनना जब आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, अदरवाइज मत पहन। एट एक्सेसरी है वॉलेट। वॉलेट को हम रेगुलर यूज करते हैं, इसलिए 100-200 वाले वॉलेट को मत लेना। वॉलेट आप हमेशा 400-500 वाले अच्छे क्वालिटी के लेना, और ब्लैक या ब्राउन कलर के लेना, लेदर मटेरियल वाले। और वॉलेट जितना हो सके छोटा स्लिम लेना, ज्यादा बड़े, ज्यादा पॉकेट्स वाले वॉलेट्स को मत लेना। और अपने वॉलेट में एक क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ, एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश के अलावा और कुछ मत रखना। अपने वॉलेट को जितना हो सके खाली और स्लिम रखना, उसमें 10 तरह के कागज, बहुत सारे या फिर घर की चाबी मत रखना, क्योंकि इससे वॉलेट काफी मोटा हो जाता है और दिखने में काफी गंदा लगता है। और जब भी आप कहीं पे बैठना या बाइक या कार चलाना तो अपने वॉलेट को अपने फ्रंट पॉकेट पे या फिर बैग में भर लेना, नहीं तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स आपके स्पाइनल कॉर्ड पे दिक्कत आ सकती है। नाइन्थ एक्सेसरी है कैप। कैप आप 100-150 से ज्यादा के मत लेना। कैप हमारे हेयर्स को सन के यूवी रेस से प्रोटेक्ट भी करती है, और जब हमारा हेयर स्टाइल खराब होता है तो हमारे हेयर स्टाइल को छुपाकर हमें स्टाइलिश भी दिखाती है। और कैप आप या तो ट्रकर कैप या फिर स्नैपबैक कैप को ही लेना, और कैप प्लेन ब्लैक कलर वाले लेना जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या मॉन्स्टर लिखावट टाइप्स प्रिंटेड ना हो। एंड फाइनली 10th एक्सेसरी है सॉक्स। बहुत से लड़के शूज के साथ सॉक्स नहीं पहनते हैं, बट सॉक्स एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है टू एलिवेट आवर लुक्स। बट सॉक्स आप पैटर्न वाले या मल्टी कलर्स वाले मत पहनना, हमेशा एक कलर वाले सॉक्स को पहनना। और अगर आप स्नीकर या लोफर पहनोगे तो नो सो सॉक्स पहनना, और अगर आप बूट या फॉर्मल शू पहनोगे तो फुल लेंथ वाले सॉक्स को पहनना। और सॉक्स हमेशा अपने पैंट या फिर अपने शू के कलर का पहनना ताकि सॉक्स आपके आउटफिट को निखारे। तो ये थे वो 10 लो बजट एक्सेसरीज जो हम डार्क स्किन लड़कों के लुक्स को 10 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये सारे एक्सेसरीज को एक साथ मत पहनना, एक साथ 3 से ज्यादा एक्सेसरीज को मत पहनना, क्योंकि लेस इज मोर। 3 से ज्यादा एक्सेसरीज वो काफी ओवर हो जाती है, जो हमें अट्रैक्टिव और प्रीमियम नहीं बल्कि छपड़ी बनाती है। इसलिए एक साथ 3 से ज्यादा एक्सेसरीज को मत पहनना। और इन सारे एक्सेसरीज की परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक कर इन्हें खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना, क्योंकि अगर आप लव डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सावले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शाह ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।